मुझे बहुत डर लग रहा, कौन हो सकता है, कोई मुझ पे अटैक क्यों करेगा? इधर चलो, लेट है, चलो बैठो। जो भी हुआ उसे भूल जा, मैं आ गया हूं ना, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम पानी पियो, चलो। तुम एक काम करो, तुम यहीं पे रुको, मैं देख के आता हूँ कि वो कौन था। निधि रिलैक्स, एक मिनट में आता हूँ। यहां भी कोई नहीं, शायद चला गया। एनीवेज मैं निधि के पास जाके बैठता हूँ, बेचारी बहुत डर गई। निधि रिलैक्स, मैं हूं। इन्हें कुछ पता चला कौन था? नहीं, मगर जो भी था अब वापस नहीं आएगा। तुम सोचा? इन्हें मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं बाबा, कहीं नहीं जाऊंगा छोड़ के तुम्हें। अब इतना सोचो मत और सो जाओ, चलो लेटो। जीजू, संजू अभी नहीं, निधि अभी अभी सोई, तुम कल आना, मैं नहीं चाहता डिस्टर्ब हो, तुम अभी जाओ यहां से। संजना परेशान लग रही है, तेरा प्लान फेल हो गया आंटी, एंड मोमेंट पे विनय आ गया। आंटी मेरे प्लान की वजह से विनय और नीति और करीब आ गए। देख संजना, अगर इसी तरह तेरे प्लान फेल होते रहे ना, तो हमने उनके बीच जो दूरियां पैदा की है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। नहीं आंटी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। विनय और नीति को मैं कभी एक नहीं होने दूंगी। विनय सिर्फ मेरा है। आंटी क्या हुआ, आप दोनों इतना परेशान क्यों? नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि तू मुझे परेशान दिख रहा है, क्या हुआ? एक्चुअली आंटी अभी अभी मेरे पास भगवान, मैं अभी जाकर नीति से मिलती हूँ। नहीं आंटी, वो भी सो रही है, आप उससे प्लीज कल मिल लेना। जीजू एक मिनट, जीजू आज एक्चुअली मैं मंदिर गई थी, तो वहां से ये प्रसाद लेके आई थी, दी खाएंगी तो उनको अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, इन सब चीजों में बहुत ताकत होती है। ओके फाइन, बट प्लीज उसको डिस्टर्ब मत करना। जी जी जी। जी।
छोटी सी हार मुझे रोक नहीं सकती नीति। मैं तुम्हें और विनय को हर हाल में अलग करके रहूंगी। बस एक बार तुम ये पेड़े खा लो निधि, फिर तुम भी नहीं समझ पाओगी कि क्या हो गया है। पेड़ों का जहर धीरे धीरे तुम्हारे बच्चे को मार देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। संजना यहाँ क्या कर रही थी? कहीं कहीं संजना ही नहीं तो मुझ पे अटैक नहीं किया? नहीं नहीं, संजना इतनी नहीं गिर सकती। पर अगर उसने पागलपन में ये सब चीजू, क्या हुआ? आप दवाई क्यों ले रहे हो? मुझे सर में बहुत दर्द है, इसलिए मेडिसिन खा रहा था। अरे चीजू, दवाई लेने दीजिए, आइए मैं आपको हेड मसाज देती हूँ, चलिए। अरे आप एक काम कीजिए, अब वहाँ पे बैठिए, मैं आपको हेड मसाज देती हूँ। अरे अरे चलिए ना। आपको पता है बचपन में जब मेरे सर में दर्द होता था ना, तो माँ मेरे हेड मसाज करती थी और दर्द तुरंत गायब हो जाता था। अब जीजू आप एक काम कीजिए, आप ले जाइए और अपना सर मेरी गोद में रख दीजिए। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं यहाँ पे ठीक। ओके, एज यू विश। क्या हुआ? तुम्हारे नाखून बहुत बड़े, चुप रहे। I'm sorry, मैं ध्यान रखूंगी, नहीं नहीं होगा। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? नहीं कुछ नहीं। संजना, संजना थैंक यू सो मच, लेकिन मैं कमरे में जाके दवाई खा लूंगा। आजकल मैं विनय के साथ एक भी चीज ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। आंटी, मुझे कुछ भी करके नीति को गलत साबित करना है विनय के सामने। हर एक बार वो दोनों अलग हो गए ना, उसके बाद विनय को अपना बनाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ठंडा पानी लोगी? साथ यहाँ पे क्या कर रहा है? अभी संजना क्या नया नाटक करने जा रही है? देखना, इस बार तो मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगी। जीजू, आपके सर में तो दर्द हो रहा था ना, फिर ये? हाँ हो तो रहा था, नीति ने कहा कि गेम खेलते हैं, माइंड डाइवर्ट भी जाएगा, शायद सर दर्द भी चला जाए, तो बस हो गया। दीप, मैं आपके लिए मंदिर से प्रसाद लेके आई थी, आपको नहीं खाना था, आप मुझे कह देती ना? नहीं संजू, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली उन पेड़ों में नट्स थे और नीति को नट्स एलर्जी,
नहीं नहीं चाहते थे कि नीति कुछ भी ऐसे खाए जिससे इसकी तबीयत खराब हो जाए, इसलिए मैंने वो हटाया। संजना बहुत लेट हो गया, तुम अब सोचो। क्या हुआ? मीनू से बात हुई? देख संजना, तुझे समझना होगा, वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। दो दिन भले गुस्सा रहे पर एक दिन तो उन्हें एक होना ही है। उन दोनों के बीच तेरी कोई जगह नहीं है। आंटी, इससे मेरा इरादा और भी पक्का होता है। आप देखिएगा, विनय को मैं अपना बनाकर ही रहूंगी। आई हैव अ प्लान। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।